हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइन पर्ल एंड इन दिस चैनल वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। सो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू मैनिफेस्ट मनी, पैसा कैसे कमाया जाए या पैसे को अपने लाइफ में किस तरीके से आकर्षित किया जाए। व्हाट इज मनी वाइब्रेशन? जैसे कि अभी मैं क्लिनिक में बैठती हूँ और मैं ऑब्जर्व करती हूँ, पीपल हैव रियली रियली गॉट अफेक्टेड ड्यू टू कोविड एंड यू नो लोगों की जॉब्स चली गई है, लोगों के बिजनेसेस बहुत स्लो डाउन हो गए हैं, किसी किसी के बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। सो ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो पैसों से जूझ रहे हैं, पैसों के लिए यू नो दे रियली वॉन्ट मनी इन देयर लाइफ एंड दे आर नॉट गेटिंग पॉइंट कि किस तरीके से मनी को अपने लाइफ में आकर्षित किया जाए। एटलीस्ट फॉर दिस टाइम पीरियड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो एंड आई थॉट विदाउट डिलेइंग इट फर्दर आई शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज बहुत लोग रियली रियली दे गेट अफेक्टेड विद दिस एंड आई रियली वॉन्ट टू हेल्प दैम। सो टूडेज पर्पज एंड माई इंटेंशन प्योरली इज टू हेल्प यू टू सॉल्व योर मनी प्रॉब्लम्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट थिंक अबाउट मनी। हाँ, पैसों के बारे में मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए, बिकॉज जब भी आप पैसा मांगते हैं यूनिवर्स से, जब भी आप कोई कमांड पुट करते हैं यूनिवर्स के सामने कि मुझे इतना पैसा चाहिए, या अगर सपोज मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं मांग रही हूं, लेकिन मेरे अंदर मेरी अंतरात्मा मेरी जो फीलिंग्स है वो मुझसे क्या कह रही है, मेरे पास अभी नहीं है, मेरे पास अभी नहीं है। और वो डर जो है हमारे दिमाग में होता है कि अगर मुझे, मैंने तो मांग लिया लेकिन अगर मुझे नहीं मिला तो वो जो तो होता है, जो डर होता है, उसके वजह से वो जब हावी हो जाता है तो क्या होता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके लाइफ में आने लगते हैं, वो डाउट क्रिएट होने की वजह से आप ऐसे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो और डाउट्स क्रिएट करता है। गेटिंग माई पॉइंट, जब भी आप किसी चीज को मांगते हो यूनिवर्स से तो आपको क्या होना चाहिए, आपका फेथ होना बहुत जरूरी है। जब भी हम पैसा मांगते हैं और जब भी हम पैसा मांगते हैं तो हमारा क्या होता है, हम लोग उस डर से वो पैसा मांग रहे होते हैं क्योंकि मुझे वो पैसा चाहिए ताकि मैं अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर सकूं, ताकि मैं अपने बच्चे का कुछ चीज जो उसे चाहिए वो मैं दिला सकूं, या फिर मैं अपने डेट क्लियर कर सकूं, या तो फिर मैं उस चीज से एक नई गाड़ी लूं, या फिर मैं वो एक बंगला खरीदूं, जो भी आपके डिजायर्स है, उस पैसों से आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि वो पैसा। आई विल गिव यू अ बेटर एग्जाम्पल जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो शायद आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। एक बार जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया था, और जब आपको पता है जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, आपको तुरंत पैसा मिलना नहीं शुरू होता है, वक्त लगता है किसी भी चीज को, किसी प्रोसेस को होने के लिए टाइम लगता है, तो उतना फ्लो नहीं था मेरे पेशेंट्स का। तो मैंने क्या किया, उस वक्त मैं एक ओपरा का शो देख रही थी एंड आई वाज जस्ट वाचिंग दैट शो, और उस शो में स्क्रिप्टिंग के बारे में बताया गया था। स्क्रिप्टिंग मतलब आपको जो चीज चाहिए वो आप लिखिए, और लिखोगे तो उसके डिटेल्स के बारे में लिखिए, आपको कौन से कलर का चाहिए या कौन से साइज का चाहिए, कितने टाइम पे चाहिए, क्या चाहिए, कौन से वक्त पे चाहिए, या कौन सी डेट पे चाहिए, किस ईयर में चाहिए, तो सारी स्पेसिफिकेशन आपको लिखनी होती है और उसको आपको पढ़ना है, उसको फील करना है। इमेजिन, आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको फील करना है, बस इतना ही दो काम आपको करना है और फिर उसे भूल जाना है। द सेम थिंग आई डिड विथ माई कार। जब मैंने फर्स्ट अपनी कार मैनिफेस्ट की थी तो मैंने क्या किया था, बस मैंने लिख दिया था आई वॉन्ट दिस कार, ऐसी ऐसी कार होनी चाहिए, व्हाइट कलर की होनी चाहिए, लग्जूरियस कार होनी चाहिए, और उसमें यू नो इस तारीख पे होना चाहिए, 30th January को होना चाहिए, 3 बजे होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एंड आई यूज टू लाइक यू नो राइट इट डाउन एंड देन रीड इट एंड फील इट एज इफ इट्स ऑलरेडी देयर इन माई लाइफ। मेरे अकाउंट में अभी उस वक्त में कोई पैसा नहीं था, ठीक है, एंड आई एम ड्रीमिंग अबाउट व्हाट, आई एम ड्रीमिंग अबाउट अ लग्जूरियस कार। मैं कार के बारे में सोच रही हूँ, मैं उस चीज को फील कर रही हूँ एंड आई एम नॉट अटैच टू दैट। अगर नहीं भी होगा तो इट्स ओके ना यार, नहीं मिला नहीं मिला, अपनी बाइक सही, ठीक है। तो विद दैट इंटेंशन आई जस्ट रोट इट डाउन जस्ट टू चेक कि सच में क्या मैं इतनी बड़ी चीज मैनिफेस्ट कर सकती हूँ अपने लाइफ में, क्या स्क्रिप्टिंग, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में इतनी बड़ी बड़ी चीजें दे सकता है। तो मैंने ये सब लिखा एंड आई जस्ट रोट इट डाउन इन डायरी और मैंने बंद किया और मैं घर चली गई। मैं रोज आती थी, जब पेशेंट नहीं होते थे मैं पन्ने पलटाती थी, वो पढ़ती थी,
उसको फील करती थी और फिर रिलैक्स हो जाती थी, उस फीलिंग के साथ मैं बैठी रहती थी आधा एक घंटा, जब भी पेशेंट नहीं होते थे मेरा यही काम था। आई यूज़ टू डू इट, बंद करके क्लिनिक बंद करके घर चले जाना, फिर आना, फिर वही करना। ऐसे मैंने 3-4 दिन ऐसे ही मैंने किया और फिर उसके बाद मैं भूल गई, बिकॉज जब पेशेंट फ्लो आने बढ़ने लगा तो मैंने वो चीज़ें मैं बंद कर दी। एक दो भी पेशेंट आते तो मेरे लिए बहुत था उस वक्त, तो मैंने वो बंद कर दिया पढ़ना। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक दिन ऐसा हुआ, दो तीन मतलब इन द मंथ ऑफ नवंबर, व्हाट आई डिड, आई टोल्ड माय हस्बैंड चलते हैं यार देखते हैं गाड़ी, बिकॉज उनकी गाड़ी हमेशा बंद हो जाती थी रास्ते पे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं कहती थी यार नहीं कार होनी चाहिए, एटलीस्ट नई बाइक खरीद लो तुम। तो उन्होंने कहा जब खरीदना ही है तो कार ही खरीदेंगे यार, देखते हैं चलो विंडो शॉपिंग करके आएंगे। मैंने कहा पैसा तो है नहीं, तो कहने लगे ओके इट्स ओके ना, देखने में क्या देखने का कोई पैसा नहीं लगता है ना। मैंने कहा हाँ चलो चलो चलो। तो उन्होंने कहा कि यार चलो कुछ अच्छे कपड़े पहन लो ताकि आगे वाले को लगे कि हाँ खरीदने आए हैं, मतलब उतनी इज्जत मिलनी चाहिए। एंड आई थॉट कि ओके फाइन चलते हैं। तो फिर मैंने अपना ट्राउजर वाउजर पहन के थोड़ा सा बाल वाल सेट करके मैं चली गई। एंड व्हाट हैपेंड, फर्स्ट वी वेंट टू मारुति और कुछ ना कुछ मुझे उसमें पसंद नहीं आ रहा था। फिर हम लोग हुंडई गए, फिर नेक्सा गए, इस तरीके से हम लोग बढ़ते गए। फिर एक वक्त आया जब मैंने कहा यार घर जाने से पहले एक काम करते हैं, हम लोग होंडा चलते हैं, क्या सोचते हो? तो कहा यार पैसे तो है नहीं और जाएंगे तो फिर, मैंने कहा यार यहाँ पे कौन सा हमने पैसा खर्चा किया है, बेटर कि हम लोग जाके देख कर आते तो है, थोड़ा मजे तो लेकर आते, थोड़ा फील तो लेकर आते हैं कि कैसी होती है होंडा सिटी की कार अंदर से। एंड ही वाज लाइक ओके चलो चलो चलते। एंड वी वेंट देयर एंड जो बंदा था वो भी हम लोगों को मतलब यू नो आई फेल्ट लाइक कि आई एम एट होम। जो बाकी के थे एक्चुअल में वो थोड़े से सूट बूट वाले थे, तो हम लोगों को भी डर लग रहा था बात करने के लिए, पूछने के लिए कोई चीज़ या कार में बैठने के लिए, बट दे वर वेरी गुड टू अस। बट ये जो बंदा था बिल्कुल अपना पैंट शर्ट पहन के मस्त आया बंदा, बढ़िया बात किया। एंड ही वॉज ऑल्सो बिलोंगिंग टू यूपी, तो हम लोगों की बहुत देर तक बात हुई। एंड ही सेड कि सर आप देख लो ना गाड़ी, ये ऐसी ऐसी गाड़ी है, अगर मैं होता तो ये खरीद लेता। तो ही वॉज लाइक अच्छा, तो वी वर लाइक ठीक है चलो देखते हैं। तो हम लोग देख लिए, हमें पसंद आ गया। मैंने कहा यार शिवेन खरीदने लायक तो है गाड़ी, अब क्या करें पैसा भी नहीं है। तो ही वॉज लाइक ठीक है ना देखते हैं। तो ही आस्क्ड अस द चेक अमाउंट कि आप इतना इतना अमाउंट आप पे कर दो सर, अगर लोन सैंक्शन होता है तो आपका ये अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। मैंने कहा ओके। तो हम लोगों ने मजाक में चेक बना दिया भाई, सबमिट कर दिया। जब मैं घर पे आई तो मैंने कहा यार पैसे तो है नहीं और तुमने चेक भी दे दिया उसको, तो कहने लगे इट्स ओके देखा जाएगा अभी टाइम है। फिर 2-3 दिन बाद कॉल आया हमें लोन डिपार्टमेंट से कि आपका लोन सैंक्शन हो गया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, डॉक्टर्स को लोन नहीं मिलता है, ठीक है? और न्यूली जो फ्रेशली स्टार्ट करते हैं ना डॉक्टर्स, उनको तो मिलता ही नहीं है। आपके दिमाग में अगर ख्याली पुलाव है तो वो हटा दीजिए, हम लोगों को लोन नहीं मिलता बिकॉज वी हैव आवर बिजनेसेस, सो वी डोंट गेट लोन एटलीस्ट फॉर द न्यूली फ्रेशली स्टार्ट बिजनेस। लोन सैंक्शन हो गया, आई वाज लाइक ओह। तो शिवेन का यू नो ही टोल्ड मी कि चलो जाके देख कर आते कौन सी कार लेनी है। एंड आई हैड इन माई माइंड कि मुझे लाल कलर की कार लेनी है, क्योंकि कुछ चमक धमक, थोड़ी पहली कार है तो थोड़ी सी फ्लैशी हो। वहां जाने के बाद व्हाट आई डिड, आई सब अनकॉन्शियसली बोलो इस चीज को या सबकॉन्शियसली बोलो, मैंने व्हाइट कार चूज कर ली। आई सेड कि ये कार ले लेते हैं। एंड वी केम बैक होम और फिर वो गाड़ी का 30 जनवरी को उन लोगों ने डिलीवरी डेट दे दी। और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि कुछ रीजन के वजह से हम लोगों का ये हुआ कि थोड़ा डिले हो गया। 12 बजे का हमारा अपॉइंटमेंट था, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ लोगों को बुलाया था तो धीरे धीरे 3 बजे हम लोगों के हाथ में वो पूजा वूजा होने के बाद वो हाथ में हमारे हैंड ओवर हुई की हम पहुंचे 3:30-4 बजे घर पे। एंड फिर बहुत सेलिब्रेशन हुआ, 10 दिन तो बहुत मजे हुए कि यार पहली कार आ गई, ये आ गया, वो आ गया, लोगों को फोन कर दिया, लोगों को फोटोज भेज दी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स हो गए, सारी सेलिब्रेशंस हो गई। और फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, फिर पन्ने पलटाने लगी एंड देयर आई सॉ ओ माय गॉड दिस आई मैनिफेस्टेड, और मुझे पता ही कि मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया अपने लाइफ में। तो दिस इज हाउ मनी वर्क्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू यू। The same way I manifested Sony Bravia 2018 version, 4 lakh ki TV हम लोगों ने manifest कर ली। So this is how the things are happening in my life. I'm manifesting bigger and bigger things and in easier and quickly. That's what I want to say. Don't think about money. जो चीज आपको करनी है उस चीज से उसके बारे में सोचिए, उसको फील करिए कि हाउ एक्साइटेड इट इज टू क्लियर ऑल माई डेट्स, हाउ एक्साइटेड कि अगर मैं फीस भर दूंगी और मैं बच्चे को अपने पिकनिक लेकर जाऊंगी,
इस तरीके से सोचिए, क्योंकि आपकी फीलिंग्स पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ना कि आपकी सोच पे। सिर्फ सोच इंपॉर्टेंट नहीं होती है, डेफिनेटली एक सोच रखने पर एक फीलिंग जनरेट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पैसे की डिमांड करते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि अभी मेरे पास नहीं है, तो वॉट वी आर डूइंग, वी आर पुशिंग दैट अवे कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए बिकॉज वी आर नॉट फीलिंग दैट मनी इनसाइड अस। तो वो फीलिंग, वो फील होना बहुत जरूरी है, वो ग्रेटफुलनेस होना बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। जब तक कि आपकी फीलिंग, आपका ग्रेटफुलनेस या आपकी थॉट्स एक अलाइनमेंट में नहीं होंगे, तब तक कि कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। फिर वो एरोप्लेन ही क्यों ना हो या जेट ही क्यों ना हो। इमेजिन अगर आपको कोई चीज चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल आपको चाहिए 25 लाख रुपए, उस 25 लाख से आपको क्या करना है वो आप सोचिए। वो 25 लाख कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, किस जगह से आएंगे वो मत सोचिए। अगेन आई वॉन्ट शेयर विथ यू वन स्टोरी अबाउट मी। आई वॉज इन लखनऊ टू माई इन लॉज प्लेस और हमारे जेब में कुछ नहीं था, ठीक है, जो भी क्लिनिक व्लिनिक का चल रहा था। एंड सडनली कार का तो हो गया था, तो आई वॉज अश्योर अबाउट कि हाँ हो सकता है पैसा मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ। एंड आई वॉज इन वर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्लिनिक 15 दिन बंद थी एंड आई वॉज इन वर्किंग, आई वॉज ऑन हॉलीडे, ऑन माई वेकेशन, स्टिल आई मैनिफेस्टेड 2.5 लाख रुपीज इन जस्ट 3 डेज। क्योंकि जो पैसा हम लोग लेकर गए थे वो सारे शॉपिंग में, इधर जाने में, उधर गिफ्ट देने में, वो सारा हम लोगों ने स्पेंड कर दिया। एंड जब हम लोगों को रिटर्न आना था मुंबई, तो हम लोगों के पास पैसा नहीं था। एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक यार पैसा तो है नहीं, और हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टर जो थे, जो मतलब जिन्होंने पैसा लिया था, वो वापस नहीं करना चाह रहे थे हमारा पैसा। क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि लोग फ्रॉड लोगों में आप फंस जाते हो, नो मैटर हाउ कॉन्शियसली एंड हाउ कॉशियसली यू डू थिंग्स। सो मेरे सामने एक ब्रॉक प्रॉक्टर का एक हाउ टू चेंज योर पैराडाइम करके, हाउ टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम करके एक वीडियो आया, एंड देयर वाज एन स्टेटमेंट अबाउट द अबंडेंस ऑफ मनी कम्स टू मी इजीली एंड क्विकली एंड कंटिन्यूअस बेसिस थ्रू मेनी सोर्सेज, थ्रू मल्टीपल सोर्सेज एंड ऑल। सो एट दैट टाइम आई जस्ट स्टार्टेड रिसाइटिंग दैट। एक्चुअली मैं उस चीज को बार 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 अपने मन में बोलती गई एंड उस चीज को फील करती गई और ग्रेटफुल होती गई हर चीज को। जब भी मैं कोई चीज देख रही थी, आई यूज टू फील लाइक ओ वाओ, दिस इज वाओ, दिस इज वाओ। इवन दो आई वाज नॉट हैविंग अ सिंगल पेनी इन माय पर्स, या शिवेन के वॉलेट में 1 रुपया नहीं था, देयर वाज नो मनी एनर्जी एग्जिस्टिंग, बट स्टिल वी वर हैप्पी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम बस खुश हो रहे थे, हम लोग बस इंजॉय कर रहे थे। एंड आई वॉज जस्ट रिसाइटिंग दैट अफर्मेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और रात में सोते वक्त मैं बस प्रे करके सो रही थी कि यार कुछ हो जाए, मिरेकल हो जाए, बस मिरेकल हो जाए। एंड व्हाट हैपेंड इन 2.5 डेज, लाइक दोपहर के 2 या 3 बजे की बात है, वो बंदा आया, खुद आया और पैसे देकर गया 2.5 लाख रुपए। I was just reciting this and it didn't come with the expected ways. और जो builders होते हैं ना, थोड़े से you know गुंडे type होते हैं, होते नहीं है, but still they have that aura, you know, that have that kind of thing. But even though he was not willing to give, like हम लोग 1.5 साल से परेशान थे उस चीज के लिए, and he was not willing to give, and all of a sudden he comes one day and hand over the 2.5 lakh rupees check to us and 20,000 rupees extra cash. And I was like, oh, what happened? Like, अभी क्या हो गया एकदम से? और तभी अचानक से मुझे याद हुआ, यार मैं तो ये recite कर रही थी, ये एक affirmation है, मैं बस ये बोल रही थी, feel कर रही थी, अच्छा feel कर रही थी, and all of a sudden the money comes into my hand, falling, बोलते हैं ना कि गोद में गिर जाना कोई चीज़, तो वो चीज़ हो गई मेरे life में। So जब मेरे साथ हो सकता है तो वो आपके साथ भी हो सकता है। Exactly, सबके साथ हो सकता है, बस आपको बिलीफ रखना है, आपको खुश रहना है, आपको वो अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, आपको वो वाइब्रेशनल मैच बनना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को, एक्साइटमेंट को बरकरार रखिए, उसको फील करते रहिए, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारे मैजिक होते रहेंगे। सो विद दैट मैजिकल वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।